प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वदेशी विमान वाहक पोर्ट इंडियन नेवी को सौंपा है। साथ ही भारतीय नौसेना के लिए नए ध्वज का अनावरण भी किया गया है। अब पुराने झंडे में तिरंगे के साथ लगे सेंट जॉर्ज क्रॉस को हटा दिया गया है। नए ध्वज में छत्रपति शिवाजी महाराज के चिन्ह को लगाया गया है। नए ध्वज में भारतीय नौसेना का आदर्श वाक्य शंग नो वरुणा भी लिखा गया है। अब हर एक चीज का एक इतिहास होता है और इतिहास हमें बहुत कुछ सिखाता है, तो हमने सोचा क्यों ना हम अपने दर्शकों को भारतीय नौसेना के झंडे का इतिहास बताएं। तो हम आ गए पूरी रिसर्च और तैयारी के साथ। नमस्कार, मेरा नाम नितिश ठाकुर है और आप देख रहे हैं जनहित टाइम्स। आपको बता दें कि 15 अगस्त 1947 को जब देश आजाद हुआ था, तब भारतीय रक्षा बलों ने ब्रिटिश औपनिवेशक झंडे जारी रखे। 26 जनवरी 1950 को इसके पैटर्न में बदलाव हुआ और नौसेना के ध्वज को बदल दिया गया। लेकिन ध्वज में एकमात्र अंतर ये रहा कि यूनियन जैक की जगह पर तिरंगा लगाया गया। जॉर्ज क्रॉस को फिर भी बरकरार रखा गया और ये झंडा सन 2001 तक ऐसा ही रहा, जिसके बाद सन 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने कहा कि इस क्रॉस का हमारी संस्कृति से कोई ताल्लुकात नहीं है, जिसके बाद उन्होंने इसमें से रेड क्रॉस के साइन को हटाकर राष्ट्रीय चिन्ह लगाया और उसके ठीक नीचे आप देख सकते हैं कि एंकर भी लगा हुआ है। लेकिन फिर कांग्रेस की सरकार आई और उस फ्लैग को दोबारा हटाकर वही रेड क्रॉस दोबारा लगाया गया। लेकिन अब फिर से कल के दिन नए फ्लैग को आधिकारिक तौर पर सबके सामने रखा गया है, जो कि काफी हद तक अटल बिहारी वाजपेयी के समय जैसा ही है। उसमें कलरिंग की गई है रेड और ब्लू, जिसके बाद इसके नीचे लिखा गया है शंग नो वरुणा। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि शंग नो वरुणा का मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब ये है कि हे समुद्र के देवता, अपनी कृपा हम पर बनाकर रखिएगा। और आपको पता ही है कि हिंदू रिलीजन में वरुण देवता को समुद्र का देवता माना गया है। अब इसको लेकर के कई बातें चल रही हैं कि इसमें छत्रपति शिवाजी महाराज का रेफरेंस का इस्तेमाल किया गया है। अब इसमें आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार इंडियन नेवी की हिस्ट्री तो छत्रपति शिवाजी महाराज के समय से भी पुरानी है, तो आखिरकार शिवाजी महाराज के ही रेफरेंस का इस्तेमाल क्यों किया गया भाई। अब इसके लिए सबसे पहले आपको बता दें कि इंडियन नेवी की हिस्ट्री तो पुरानी है, लेकिन इसमें छत्रपति शिवाजी महाराज का रेफरेंस लेने का सबसे बड़ा कारण ये है कि उनके पास भारतीय इतिहास में सबसे मजबूत नेवी थी, जिसमें लिटरली तोपों का भी इस्तेमाल किया गया था। साथ ही उस समय में इनके पास 500 जहाजों का बेड़ा था। यह अपने आप में चौंकाने वाली और बहुत बड़ी बात है। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि अगर फिर से आने वाले समय में केंद्र में कोई और सरकार आएगी तो क्या फिर से झंडे को बदल दिया जाएगा, जैसा कि हमने पहले भी देखा। अब आपको क्या लगता है इसके बारे में, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।